हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑफ शुद्ध बैच. दिस इज रंजन. आप देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन का ये सब्जेक्ट ओनली ऑन अद्वैत एजुकेशन AE एंड JE एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. तो आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. आज बहुत ही बढ़िया सा फेस्टिवल है और आई होप आप लोग सब एकदम बेस्ट वे में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे. और इसी के साथ आज से आप लोगों के न्यू सब्जेक्ट का स्टार्ट जो है वो भी यहाँ पे होता है. तो इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने और इसी के बारे में ज़रा से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ. आज प्रॉपरली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, आगे की प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो कल की क्लास से कर देंगे स्टार्ट. ठीक है. सो आई होप एकदम बढ़िया से आप लोग सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे फेस्टिवल. और इसी के साथ अद्वैत एजुकेशन AE JE एग्ज़ाम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन इस फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं. और प्लस साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफर्स जो है सभी कोर्सेज़ पर वो भी आ चुके हैं. गणेश चतुर्थी के स्पेशल ऑफर्स जो कि 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक वैलिड रहेंगे. इसके रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, आप देख लेंगे. अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो आपको दिख जाएगा, उसे ज़रूर से देखिएगा. कोर्सेज़ में आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जा रहा है. ठीक है. सो अब आगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है. थोड़ा सा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर BEE की क्लास और नहीं होंगी क्या, या आगे हम क्या क्या करेंगे. मैं सारी डिटेल्स ही शेयर करने के लिए आज की क्लास में आया हूँ. ठीक है. तो मेरे साथ बने रहिएगा. तो अभी शुद्ध बैच में UEET क्यों आया और BEE जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे का क्या होगा, चलिए दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूँ फटाफट से. तो शुद्ध बैच में एक आपका ऑनगोइंग है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप पहुंच गए वहां पे कहां पर, नेटवर्क थ्योरम्स तक. नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स तक हम पहुंच गए. अब ग्रेजुअली इतनी दूर तक अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है, आप इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इसका कंटेंट जो है और बेस्ट वे में आप रिवाइज करिए, जहां जहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही थी उसको और फिर से आप कवर अप करिए. कुछ दिन का समय इसमें लीजिए. ठीक है. ग्रेजुअली यहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसी पॉइंट से आगे. जो अगला हमारा टॉपिक था ना, जहां से साइनोसॉइडल का पार्ट शुरू होता है, और प्लस नेटवर्क थ्योरम्स पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे हम लोग, जैसे कि थेवेनिन्स, नॉर्टन्स और जितने भी मैंने बताए थे आप लोगों को, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे. लेकिन पैरेलली और भी सब्जेक्ट हमको पढ़ते जाना है क्योंकि टाइम कम है. तो इसी वजह से अब आप लोगों का इसी के साथ पैरेलली UEET जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा. क्या होता है, जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं ना, तो एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है. एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि मोनोटोनस हो जाती है सारी चीज़ें. और हमको SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से सातों सब्जेक्ट को लेके चलना है, सब कुछ पढ़ना है, एकदम पैरेलली पढ़ना है, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा, जो BEE सब्जेक्ट है ये भी आएगा आप लोगों का फिर से यूट्यूब पर आपको दोबारा से फिर से मिलेगा, वही शुद्ध बैच में फिर से कंटिन्यू रहेगा आगे. ठीक है. जिसमें थेवेनिन नॉर्टन पढ़ेंगे. लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए मैं आपको ये समय दे रहा हूं कि अभी तक जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, उसके और क्वेश्चंस बनाइए, सो दैट कि जब हम दोबारा से नेटवर्क थ्योरम्स चालू करें तो आपको सारी चीज़ें एकदम और बेस्ट वे में आपसे बनती जाएं, या जहां डाउट हो आप पूछते जाएं. ठीक है. तो इसमें फिर क्वेश्चन बनाने में आपको और ज़्यादा मजा आएगा. तो अभी तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे ना, KVL, KCL, सुपर मैश, सुपर नोड, ये सारा कुछ जो सीखे हैं उसको अप्लाई करना, धीरे धीरे आप अप्लाई करना शुरू करिए. ठीक है. तब तक मैं पैरेलली आप लोगों का UEET शुरू कर देता हूँ. आज की क्लास में पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को बता दूंगा कि UEET में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे. और फिर पैरेलली हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, वीक वाइज भी लेके चलेंगे कि एक हफ्ता अगर पूरा BEE पढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते पूरा UEET पढ़ेंगे हम लोग. तो दोनों ही सब्जेक्ट हमारे पैरेलली एक साथ मूव करते जाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ. और मे बी अप्रॉक्सीमेटली 20 सितंबर के अप्रॉक्स आपके दोनों सब्जेक्ट पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो. तो ये अब पूरा प्लानिंग जो है वो होने वाला है. ठीक. अच्छा, अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप UEET में, क्योंकि इस सब्जेक्ट का भी वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स का वेटेज आपके SSC के एग्जाम में, SSC JE में. तो इसमें अब क्या होने वाला है, तो UEET चूंकि अब अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया हम लोग, इसमें सेकंड फेज का प्रिपरेशन जो है, तो अब ये अब आज से हम लोग शुरू कर देंगे, है ना. बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कल के ऑनवर्ड्स UEET में हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. ठीक. कैसे रहेंगे, इसका वेटेज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था. अप्रॉक्सीमेटली देखिए, यूटिलाइजेशन का वेटेज लगभग आपको 8% का दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना इसका वेटेज तो रहता ही है। और शरद ने लिखा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ऑब्वियसली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है वो भी हमको पढ़ना है, तो पैरेलली एक जैसी BEE खत्म होगा आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी ले आऊंगा मैं, तो UEET चलता रहेगा और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी साथ ही साथ पैरेलल ऐसे शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप इसका वेटेज भी देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं जैसे 22 जनवरी 2018 के पेपर में आप देखेंगे UEET से 8 क्वेश्चन पूछे गए, मार्च 2017 के पेपर में 3 क्वेश्चन और जनवरी 2015 के पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास UEET से आते हैं। तो UEET आप अप्रॉक्सीमेटली मानिए कि 6 से 8 के बीच में वेटेज तो रहेगा ही रहेगा, अभी तो और इंक्रीज हो गया इनफैक्ट, ठीक है। तो UEET इस लेवल का वेटेज रहेगा। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं, SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना कुछ आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस का हिस्सा ये पूरा जो यहाँ पे मेंशनड है वो रहने वाला है। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, इल्यूमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे। इसका अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स वेटेज जो है वो 2 से 3 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। इल्यूमिनेशन के आपको 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर से देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक हीटिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चंस और वेल्डिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं देखने को। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ा कम वेटेज, अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसका। इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड ट्रैक्शन का वेटेज अच्छा खासा होता है, जिसमें कि ट्रैक्शन का वेटेज काफ़ी बढ़िया होता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 सवाल आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा टाइप ऑफ करंट कलेक्टर्स, उससे क्वेश्चन आ सकता है। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन से क्वेश्चन आता है। एडहेसिव वेट क्या होता है उससे क्वेश्चन आता है ना। और ट्रेन से रिलेटेड कुछ और एडिशनल जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रेन की डेड वेट क्या होती है, एक्सिलरेटिंग वेट क्या होती है, इस टाइप के ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारे। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। देन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ड्यूटी साइकिल कैसे कैसे ड्राइव्स होते हैं, कौन सा शॉर्ट टर्म ड्यूटी का साइकिल होता है, किसमें इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी रहता है, ऐसे अलग अलग टाइप से ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और डिटेल फॉर्म में देखेंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी। इलेक्ट्रिक हीटिंग, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। हीटिंग एंड वेल्डिंग से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं UEET में आपको बता दूँ, पढ़ने की तैयारी या स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम क्लियर है, चीज़ें एकदम फिक्स्ड है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कहाँ कहाँ से सवाल बनता है, एकदम क्लियर है। पेपर 1 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है UEET के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 2 में उतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने पेपर 1 में देखने को मिलेंगे आपको इस सब्जेक्ट से, ठीक है। दिस सब्जेक्ट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1, ओनली फॉर पेपर 1, ठीक। और हमारा शुद्ध बैच है भी पेपर 1 को टारगेट करता हुआ, तो डेफिनेटली इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, हीटिंग, ये सारा जितना भी टॉपिक्स होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जो भी है, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी एंड पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वेल्डिंग का पार्ट आप पढ़ेंगे, तो वेल्डिंग के अंदर भी आप पढ़ेंगे अबाउट द प्रेशर वेल्डिंग हो गया और फ्यूजन वेल्डिंग हो गया। फ्यूजन के अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट द आर्क वेल्डिंग, है ना, अबाउट द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे TIG से क्वेश्चन बनता है, MIG से क्वेश्चन बनता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से सवाल बन जाएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग जो है उससे क्वेश्चन बनता है। किसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, किसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, कहाँ पे हमको बाहर से फिलर मेटल यूज करना पड़ता है, कहाँ पे हमको इनर्ट गैस की कोटिंग देनी पड़ती है जिससे कि सिस्टम ऑक्सीडेशन से बच जाए। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एकदम फटाफट से स्पीड में हम पढ़ेंगे, along with all the photos, videos, shorts and animations, ये सब कुछ रहेगा ताकि आपकी जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाए और चीज़ें विजुअलाइज करना आपके लिए आसान हो जाए। अब वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ना है हमको, जैसे नॉर्मली पढ़ा करते हैं, जब थोरो स्टडी, जब डीप स्टडी करते हैं तब वैसा पढ़ते हैं। तो वैसा वो वाला फेज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो फेज रहेगा इसमें क्वेश्चंस भी बनाने हैं साथ साथ और कंटेंट भी पढ़ते जाना है। तो सेम जैसा अभी BEE में आप लोग मेरे साथ थे, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि कंटेंट भी पढ़ रहे थे और सेम उसी कंटेंट के ऊपर बेस्ड उस दिन के पूरे MCQs बना रहे थे। एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रैटेजी यहां पर भी अब होने वाली है, ठीक है। मयन ने पूछा है सर ये सिलेबस डिप्लोमा में कब पढ़ते हैं या ये पढ़ते ही नहीं है? पढ़ते हैं, डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं ये सिलेबस, उसमें भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मयंक वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, देन मशीन का, फिर पावर सिस्टम का एंड मेजरमेंट का, ये सब्जेक्ट्स का काफ़ी वेटेज रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये सब कुछ हम कवर करेंगे। इल्यूमिनेशन, इसके अंदर के टर्म्स ही अगर आप पढ़ लेंगे ना, इसके अंदर के जो टर्म्स यूज हैं अगर आप वो पढ़ लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है, है ना। स्टीरेडियंस जो है वो किसकी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, आप वहाँ पे बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ल्यूमिनस एफिशिएंसी हो गया, इल्यूमिनेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, लक्स जो है वो किसकी यूनिट होती है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है। ये सबसे MCQ क्वेश्चन बनता है, इस सब से SSC से, SSC में आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे के पूरे। सो अब इसके अलावा, अब ये तो पूरे चैप्टर्स हो गए। UEET में जो आप मेहनत करेंगे, क्या ये सिर्फ SSC तक सीमित रहेगा? क्या क्या लगता है UEET में जो आप इतना एफर्ट डालेंगे, अभी SSC के एग्जामिनेशन में इसका वेटेज सब कुछ मिला के भी आप मानिए तो 8 मार्क्स, और अभी थोड़ा सा वेटेज इंक्रीज हो गया है तो 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10-11 नंबर, बस उतने का वेटेज है। लेकिन ये 10 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है सिलेक्शन होने और नहीं होने के बीच। तो इसलिए हमको ये पूरे 10 के 10 नंबर का तैयारी करके जाना है। मतलब जैसे BEE में अगर आप 43 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हैं ना, 43 मार्क्स ऑफ BEE अगर आप रेडी करके जा रहे हैं पूरा, तो UEET के 10 नंबर भी पूरे लेके आना है। तो मतलब ये दोनों सब्जेक्ट मिला के अकेले 53 मार्क्स का अरेंज आपका वैसे ही हो गया स्कोर। ठीक है, ठीक है। लैम्प से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर, है ना, लैम्प से भी पूछते हैं। इल्यूमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इल्यूमिनेशन से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के लैम्प्स, लैम्प के टाइप्स कहाँ। अब जब फ्लड लाइटिंग हो रही है तो क्या सोडियम वेपर लैम्प जो है उसके अंदर की वर्किंग क्या होती है, सोडियम वेपर लैम्प को उसके कौन सा कलर का आउटपुट जो है उससे क्रिएट होता है, जो मरकरी वेपर लैम्प जो होता है, MV लैम्प, SV लैम्प, इन सब के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी, और विथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, आफ्टर दिस नेक्स्ट, ये जो आप प्रिपरेशन करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की, ये कहाँ पे और काम आएगा आपको। चलिए आपको मैं कुछ और एग्जाम्स का आइडिया बताता हूँ। ठीक है, UEET ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको SSC के लिए पढ़ना है और इससे इसके बाहर किसी और एग्जाम में नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल सही मयंक ने भी लिखा भी हुआ है ना कि, और ये इजिली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये वाकई में बहुत आसानी से स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। इसको कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि अरे छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बताऊं कि 8 से 10 नंबर का अगर वेटेज है किसी एग्जाम में इसका, तो उसको छोटा सब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस एकदम कन्फाइंड है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, बस समझते जाना है आपको और आसानी से उसके क्वेश्चन आप आंसर कर लेंगे। आप देखिए डिफरेंट एग्जाम में इसका वेटेज देख सकते हैं आप। UPPCL JE के एग्जामिनेशन में अभी रिसेंटली इसका वेटेज इंक्रीज हुआ है, 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपको अकेले UEET से दिखाई देगा। UPRVNL JE लगभग 8 से 11 मार्क्स के आसपास का वेटेज। PGCIL ER2 का आप देख लेंगे एग्जामिनेशन, 2018 के एग्जामिनेशन का पेपर एनालिसिस के बदले के बेसिस पे ये यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखाई दे रहे हैं। तो PGCIL ER2 आप देख लीजिए, 8 से 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज। DMRC JE दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन JE के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको UEET के दिखाई देंगे। BSPHCL का आप देख लीजिए एग्जामिनेशन, इसमें भी 4 से 8 नंबर के आसपास का वेटेज। LMRC SCTO है ना, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसमें भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। सेल OCTT में दिखेंगे, और RRB JE में भी काफ़ी क्वेश्चन दिखते हैं। RRB JE में तो लगभग इसके लेवल के क्वेश्चन दिखाई देते हैं, और SSC JE तो है ही है, प्लस इसके अलावा। ठीक है, तो इन सभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन रहते हैं। UEET सब्जेक्ट की आप जो तैयारी करेंगे, ये तैयारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। इन सब एग्जामिनेशंस में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम ग्रेजुअली जो तैयारी करना शुरू करेंगे, कल के ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चंस को भी बना के देखिएगा। लेकिन कंसेप्ट वाइज कल से मैं शुरू करूंगा आप लोगों के साथ, पूरा का पूरा पहला चैप्टर मॉड्यूल वाइज हम पूरा पढ़ते जाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म में पूरे नोट्स में आपको दिखाता जाऊंगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चंस के और चैप्टर के, कि देखें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा से 4-5 क्वेश्चंस अभी के अभी मेरे साथ आप लोग बनाइएगा, फिर आगे हम लोग और प्रिपरेशन कल से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेके आता हूं मैं बोर्ड पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एसेंशियली नीड्स डायरेक्ट करंट। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट करंट एकदम एसेंशियली नीडेड होता है। पहला ऑप्शन है वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है हीटिंग, थर्ड ऑप्शन इज रेफ्रिजरेशन, लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। SSC JE 2019 के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। कल की टाइमिंग, यस, कल की टाइमिंग मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम, शाम 5 बजे जिस समय BEE चला करता था उसी समय UEET लेके मैं आऊँगा। ठीक है, अटेंड कीजिएगा एकदम बेस्ट वे में आप लोग सभी, और मजा आएगा, एकदम बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। ज़्यादा फोकस हमारा, पूरा का पूरा फोकस, ज़्यादा क्या पूरा का पूरा फोकस हमारा पेपर 1 के लिए ही रहेगा, तो पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे अभी आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये वेल्डिंग हीटिंग इस वाले पार्ट के अंदर आप पढ़ते हैं कि भाई डायरेक्ट करंट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब ये सब क्वेश्चन हम बना रहे होंगे किसी दिन, तो इन क्वेश्चन से पहले आप इससे जुड़ा हुआ फंडामेंटल, इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है पहले वो पढ़ेंगे मेरे साथ, और 15-20 मिनट में वो कंसेप्ट डिस्कस करके बचे हुए टाइम में हम पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे, ऐसे ही एमसीक्यूज बनाएंगे, ठीक है। तो मजा आएगा। क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? चारू का आंसर है ए ऑप्शन, मयन का आंसर है डी ऑप्शन, मयंक डी ऑप्शन, प्रदीप डी ऑप्शन, अर्चना ए ऑप्शन, तनुजा ने लिखा है डी ऑप्शन, प्रदीप डी ऑप्शन, रुपेश डी ऑप्शन, आनंद डी ऑप्शन, वंश डी ऑप्शन, शरद ए ऑप्शन, न्यू फैक्ट डी ऑप्शन, केतन डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एसेंशियली नीड्स द डायरेक्ट करंट, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एसेंशियली डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होती है, वहां पे एनोड कैथोड जो होता है वो प्री डिफाइंड रहता है और उसी अकॉर्डिंग हमको इनपुट देना पड़ता है। अगर हम सप्लाई चेंज कर देंगे तो प्लेटिंग जो होना है वहां पे उसमें गड़बड़ हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन, हीटिंग या वेल्डिंग सभी एसी पे भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है 0.3 से 0.5 लीडिंग, दूसरा ऑप्शन है यूनिटी, तीसरा ऑप्शन है 0.8 लैगिंग, लास्ट ऑप्शन इज 0.3 टू 0.5 लैगिंग। पावर फैक्टर स्पॉट वेल्डिंग, वेल्डिंग एसी और डीसी दोनों पे होता है मयंक। वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी सप्लाई दोनों ही नेसेसरी होते हैं, दोनों का ही यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट करंट ही नेसेसरी होती है, डायरेक्ट डीसी जो सप्लाई है ना, फिक्स्ड पोलैरिटी, वो नीडेड होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा। पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी, सो व्हाट इज स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग में होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग, इसको समझिएगा। स्पॉट वेल्डिंग में करते क्या है हम लोग, अगर सपोज कर लीजिए हमारे दो ऐसे मेटल्स हैं, इनको आपको वेल्ड करना है, तो हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऐसा पॉइंटेड इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है पॉइंटेड इलेक्ट्रोड रहता है, और यहाँ पर प्रेशर देने के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड सेक्शन रहता है, ठीक है। और इनको ऐसे कनेक्ट करके रखा जाता है, ये इनके होल्डर्स रहते हैं जिससे इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो स्पॉट वेल्डिंग करने में यहाँ पे से छोटे छोटे स्पॉट्स क्रिएट होते हैं। कभी भी स्पॉट वेल्डिंग जो होती है ना वो कंटिन्यूस वेल्डिंग नहीं होती है। स्पॉट वेल्डिंग में कभी भी हमको कंटिन्यूस वेल्ड नहीं मिलता है। तो कभी भी किसी चीज़ की जब वाटर प्रूफिंग करनी होती है या एयर प्रूफिंग करनी होती है, एयर टाइट बनाना होता है किसी कंटेनर्स को, जैसे कि शिप्स हो गई, बड़ी बड़ी जहाज हो गई, तो जब जहाज की वेल्डिंग करनी होगी तो कभी भी आप स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ करेंगे तो ये जो बीच के बचे हुए गैप्स हैं इससे पानी के अंदर घुसने का खतरा बच जाएगा। तो स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं दैट इज़ अ पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, दैट इज़ अ पॉइंटेड इलेक्ट्रोड। अब ये सभी चीजें जब हम क्लास में पढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस जब जिस समय बना रहे होंगे विथ फोटो, आप सारी की सारी चीजें देखेंगे, विथ फोटो वीडियो, ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगे एकदम, तो मजा आएगा। मतलब वो विजुअल एक्सपीरियंस ही आपका अलग रहेगा जब आप इन चीजों को ऐसे डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैन अभी तक नहीं पढ़े ना, मेरे साथ ये सब्जेक्ट पढ़िएगा। और मैं बता दूं कि भले ही रिवीजन क्लास की तरह हम इसमें पढ़ेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स के साथ ही मैं बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कनेक्ट कर लेंगे। और जहां पे ना समझ में आए मैं तो हूं, मुझसे पूछते जाइएगा तुरंत, ठीक है। वेल्डिंग एसी एंड डीसी बोथ, बिल्कुल सही। न्यू फैक्ट ने डी ऑप्शन लिखा, दीपक जैस ने लिखा डी ऑप्शन, अंजलि ने लिखा 0.3 से 0.5 लीडिंग, 0.3 से 0.5 लीडिंग ये वाला फर्स्ट वाला, और 0.3 से 0.5 लैगिंग भी एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो जब वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होता है, उस ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक क्यों ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक आती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, किस तरीके का ट्रांसफार्मर वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो वहां पे निकल के आएंगे, ठीक। तब आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर करना आसान लगेगा, तब बहुत आसानी से आप लोग आंसर कर देंगे। तो जिस दिन जो भी पढ़ेंगे, जब ये वेल्डिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वेल्डिंग में पढ़ेंगे क्या क्या डिटेल होता है। अब जब आप स्पॉट वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग में होता क्या है, क्यों इसको स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, क्योंकि जब दो मेटल्स को जोड़ा जाता है तो छोटे छोटे स्पॉट्स का फॉर्मेशन करके मटीरियल को जोड़ दिया जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है एज कम्पेयर टू सीम वेल्डिंग और अदर काइंड ऑफ वेल्डिंग, जैसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, इनमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग पतली शीटों के लिए अच्छा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में से अगर सपोज कर लीजिए वर्क पीस को भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है फ्रॉम द मेन सप्लाई, उसको कौन सी पोलैरिटी दी जाती है, इट इज गिवन पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंस होता है वेल्डिंग के अंदर। तो वेल्डिंग में यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको पॉजिटिव पोलैरिटी आप दे रहे हो और किसको नेगेटिव पोलैरिटी दे रहे हो आप। तो हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी वर्क पीस को दिया जाता है और नेगेटिव पोलैरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द इलेक्ट्रोड। इसका रीजन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पॉजिटिव पोलैरिटी हम वर्क पीस को देते हैं हमेशा। जब भी उसको अगर सप्लाई से कनेक्ट करने की नौबत आ गई तो हमेशा पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं। इसका रीजन क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन दोनों टाइप की पोलैरिटीज़ के बीच। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं दोनों में पढ़ेंगे चारू, यहाँ पे भी पढ़ेंगे और संकल्प बैच में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें तो और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, है ना। यहाँ पर ना शुद्ध बैच का मेन मोटिव है रिवीजन प्लस एमसीक्यू वाला मोटिव है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये इस चीज़ को मान के पढ़ाया जाएगा आपको कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं और अब हम रिवीजन मोड में चल रहे हैं और रिवाइज करते करते हम एमसीक्यू भी बना रहे हैं साथ में। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव रहेगा। डिटेल्ड फॉर्म में आप संकल्प बैच में पढ़ेंगे जब हर चीज़ एकदम डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे भी आप चीज़ें डेप्थ में पढ़ोगे बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा हमारे पास क्योंकि हम ऑलरेडी रिवीजन मोड में चल रहे हैं यूडब्ल्यूटी में या बीडब्ल्यू में या किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसका मोटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 0.3 से 0.5 लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ कंडीशंस जो है वो देखेंगे हम लोग कि क्यों यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर का केस आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन ऑन बोर्ड। चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन इमर्शन वाटर हीटर, दूसरा ऑप्शन है ब्रेजिंग, थर्ड ऑप्शन इज रूम हीटिंग, लास्ट ऑप्शन इज वुड ग्लूइंग, लकड़ी को चिपकाना। ठीक है, इसमें से इंडक्शन हीटिंग का एग्जाम्पल कौन सा वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो उससे पहले हमको ये तो पता रहेगा ना कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, फिर ये देखेंगे हीटिंग कितने टाइप्स की होती है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको क्लास में। ठीक है, तो अभी तो ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं रैंडम है, वेल्डिंग का भी क्वेश्चन है, हीटिंग का भी है, इल्यूमिनेशन भी है, ट्रैक्शन भी दिख जाएगा इसी में आपको, है ना, ड्राइव्स भी दिख जाएगा, सब कुछ दिखेगा अभी। लेकिन कल के ऑनवर्ड जब हम पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, टॉपिक उसके क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बीडब्ल्यू में हम पढ़ रहे थे पूरा 12 टॉपिक डिफाइन था आपका, उसी 12 टॉपिक के थ्रू पर डे वैसे क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इसमें भी एग्जैक्टली वही करेंगे। यस, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है क्या सभी का, वाटर हीटर, इमर्शन वाटर हीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो ब्रेजिंग इज नॉट दैट ऑप्शन, रूम हीटिंग इज नॉट दैट ऑप्शन, वुड ग्लोइंग हमेशा किससे करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का फिनोमिना बना ही है नॉन कंडक्टिंग चीज़ों को हीट करने के लिए या वेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इमर्शन वाटर हीटिंग जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला चौथा सवाल। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ द पेंट्स। पेंट्स को सुखाने के लिए इसमें से कौन सा हीटिंग मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन वंस अगेन एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ द पेंट्स। पेंट्स को सुखाए जाने के लिए इसमें से कौन सा हीटिंग मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड हीटिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग, थर्ड ऑप्शन इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल। प्रदीप का आंसर है सी ऑप्शन, केतन का आंसर है सी ऑप्शन, मयन का आंसर है ए ऑप्शन, रुपेश का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कंसेप्ट तो हम पढ़े ही नहीं है, इसका आंसर कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं, कल के ऑनवर्ड्स देखिएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इस पे और अच्छा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो प्रदीप ने लिखा है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, मयंक ने लिखा है सी ऑप्शन, वंश ने लिखा है सी ऑप्शन, रमिता ने लिखा है सी ऑप्शन। इंफ्रारेड हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग। कभी भी अगर आप पेंट्स की हीटिंग कर रहे हो, सपोज कर लो ये आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस को न्यूली आपने पेंट किया हुआ है। ठीक, इस सरफेस को न्यूली हमने ऐसा पेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमने इसके ऊपर ऐसा पेंट चढ़ाया हुआ है, कभी भी पेंट को हीट करने के लिए जो हीटिंग का तरीका हम यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज कन्वेक्शन हीटिंग। हमेशा कन्वेक्शन हीटिंग को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं पेंट्स को सुखाए जाने के बारे में अगर बात करें तो कन्वेक्शन हीटिंग क्या होती है, हीट के ट्रांसफर को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, हीट के ट्रांसफर होने के तरीके को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है कंडक्शन मोड, दूसरा होता है कन्वेक्शन मोड और तीसरा होता है रेडिएशन मोड ऑफ हीटिंग। कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर यह होता है कि कंडक्शन मोड में मॉलिक्यूलर कंडक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ग्रेजुअली ट्रांसफर होती चली जाती है। तो ऐसा करने के लिए आपका कंडक्टर जो है इट हैज टू बी अ रेगुलर मेटल कंडक्टर, तभी जाके हीट एक से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होगी। अगर बीच में कहीं वो कंडक्टर ब्रेक हो गया तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा वहीं पे, ठीक। लेकिन कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो खास तौर पे लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे कि ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ एयर और लिक्विड यहां पे हीट जो होती है वो सर्कुलेशन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम में। और रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है इसके अंदर क्या होने लग जाता है, यहाँ पर हीट मीडियम को हीट किए बिना अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, जिसमें बीच का जो मीडियम होता है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है वो नहीं हीट होता है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इसके हीटिंग के। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कन्वेक्शन हीटिंग। अब कन्वेक्शन हीटिंग में क्वेश्चन आता है आपको कि इसमें से कौन सा वाला कन्वेक्शन हीटिंग है, तो पहली बात डाई इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेंट जिसको आप कर रहे हो वो मेटल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने मेटालिक सेक्शन को प्लेस किया एक डाई इलेक्ट्रिक सेक्शन के बीच तो वहां तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सेक्शन है, एक मेटल का पीस है जिसको आपने अभी अभी न्यूली पेंट किया हुआ है, अब इसका पेंट आपको सुखाना है, आप इसको प्लेस कर देंगे बीच में। लेकिन इसको जैसे ही प्लेस करेंगे क्या दिक्कत होगी पता है, ये बीच का जो डाई इलेक्ट्रिक जो गैप था, ये जो इन दोनों के बीच का प्लेट का जो सेपरेशन है ना डी, सेम कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, इसीलिए इस डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम कैपेसिटिव हीटिंग भी बोलते हैं। तो ये These two plates are separated by a small distance d and that distance contains dielectric. उस distance में क्या होता है हमारे पास dielectric medium होता है, या जिस dielectric को हमें heat करना है उसे place कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी पेंट को मैंने किसी मेटल के प्लेट पे कर रखा है, उसको मैं प्लेस करने जाऊंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बीच में, ठीक है। तो इस वजह से डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, कंपल्सरीली डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड। अब दूसरा मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग कर देते हैं फिर ऐसे कंडीशन में। तो रेजिस्टेंस हीटिंग करने के लिए अगर आपने मेटालिक सेक्शन को पेंट कर दिया है पूरी तरह से, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप इसको किसी वायर से जोड़ेंगे, वायर से जोड़ेंगे तो कंडक्शन होगा कैसे अगर वो पेंटेड है। तो पेंट करते भी इसीलिए हैं कई बार कि इंसुलेट कर दे वो पूरे सिस्टम को, ठीक है। ये भी एक कंडीशन होती है कि पेंट करने का कारण यही होता है कि हम चाहते हैं कि वो मटेरियल इंसुलेट हो जाए। जैसे घरों का कूलर होता है, मेटल का कूलर, कूलर की बॉडी को क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें, एक तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए और दूसरी चीज़ जो छोटा मोटा इलेक्ट्रिक लीकेज करंट वहाँ से आ सकता है उसके चांसेस है उसे ख़त्म कर दिया जाए कि कोई इसको टच भी करे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना कम हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट द इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग का फिनोमिना भी नहीं यूज़ होता है यहाँ पे। तो लास्ट क्या यूज़ हो सकता है यहाँ, इंफ्रारेड हीटिंग जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। दो तरीके से हीटिंग करते हैं, या तो कन्वेक्शन फॉर्म में हीटिंग करते हैं और बेस्ट पार्ट तो ये रहता है कि यहाँ पे इनकैंडिसेंट लैंप जो है वो जला दिया जाता है, एक इनकैंडिसेंट लैंप को बंद कर दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है। अब ये इनकैंडिसेंट लैंप जब ग्लो करता है तो आपको भी पता है कि इनकैंडिसेंट लैंप लाइट और हीट दो फॉर्म में आउटपुट जो है वो क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म के आउटपुट की वजह से वो पेंट का लेयर जो होता है वो अंदर से भी ड्राई होना शुरू हो जाता है और फिर ऊपर से ड्राई होता है। अगर आप किसी भी तरीके की सडन हीटिंग उसको प्रोवाइड कर देंगे तो पेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमेशा उसके ऊपर का लेयर पहले सूखता है और अंदर से वो पेंट गीला रह जाता है। तो अगर अपर लेयर उसकी ड्राई हो गई पहले तो उसका इनर लेयर बहुत लंबे समय तक गीला ही रहेगा और आपको ऊपर से देखने में लगेगा कि पेंट ड्राई हो गया, आप गलती से उसको टच कर लेंगे और वो अंदर से भी अभी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत रहता है ना। मयन ने लिखा अरे सर तुक्का मारा था, देखो ये फिट हो गया। हाँ, तो इंफ्रारेड हीटिंग आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये बेटर ऑप्शन है, इट इज राइट। लेकिन नॉर्मली पेंट्स की ड्राइंग के लिए हम इनकैंडिसेंट लैंप्स की यूज करते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप्स का भी इस्तेमाल करते हैं पेंट्स को ड्राई कराने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहीं पे जो वर्कशॉप्स होती है जहाँ पे कार वगैरह की या व्हीकल्स की जहाँ पे पेंटिंग होती है, आप देखते होंगे कि वहाँ पे इनकैंडिसेंट लैंप्स बहुत करीब करीब में ला के रख दिए होते हैं ये लोग, और इनकैंडिसेंट लैंप्स के हेल्प से ये लोग ग्रेजुअल हीटिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसे ये सारा कंसेप्ट हमको जब पता रहेगा तब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने में और मजा आएगा। अभी तो चलो हम गैसिंग कर रहे हैं, बट तब एक्चुअल में हमको पता रहेगा कि सबका आंसर क्या करना है, है ना। चलिए और एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन द लोकोमोटिव्स इज प्रोवाइडेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज मेन स्टीम इंजन, सेकंड ऑप्शन स्मॉल टर्बो जनरेटर्स, थर्ड ऑप्शन बैटरी, फोर्थ ऑप्शन सोलर सेल्स। यूपी आरपीएनएल जेई 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ। तो मैं समझता हूं क्योंकि यूडब्ल्यूटी सब्जेक्ट में अभी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है नहीं आप लोगों का, जिस वजह से हमको गैस वर्क पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन अब ग्रेजुअली जब पढ़ेंगे ना कल के ऑनवर्ड्स, तो आप देखिएगा पूरा टॉपिक वाइज हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे पहले और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, ठीक है। तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, एसएससी एग्जाम में हर चीज पढ़ेंगे और एकदम सॉलिड लेवल पे पढ़ के जाना है। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पावर फॉर द इल्यूमिनेशन इन द लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट ऑप्शन मेन स्टीम इंजन, सेकंड ऑप्शन स्मॉल टर्बो जनरेटर्स, थर्ड ऑप्शन इज बैटरी एंड लास्ट ऑप्शन इज सोलर सेल्स। इलेक्ट्रिक पावर इल्यूमिनेशन के लिए, जो लोकोमोटिव्स होती हैं उसके अंदर इल्यूमिनेशन करने के लिए, लाइटें जो अंदर जल रही होती है पैसेंजर कोचेस में, उसके इल्यूमिनेशन के लिए किसका इस्तेमाल होता है इसमें से। तो अभिजीत ने सी ऑप्शन लिखा हुआ है, तनुजा ने बी ऑप्शन लिखा है, प्रदीप बी ऑप्शन, मिलिंद ने सी ऑप्शन लिखा हुआ है और तनिष्क ने सी ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रदीप ने लिखा है स्मॉल टर्बो जनरेटर्स, केतन ने बी ऑप्शन लिखा हुआ है, चारू ने भी बी ऑप्शन लिखा हुआ है। व्हाट इज बी ऑप्शन? स्मॉल टर्बो जनरेटर्स। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बैटरी। सही आंसर क्या है इसका? ठीक है मैन, तो पढ़ेंगे ना एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे कल से और मजा आएगा। ये सब चीज़ें पूरी पहले मैं अच्छे से पूरा आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है, फिर सवाल पूछूंगा तो मुझे भी मजा आएगा। अभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। यस, सी ऑप्शन न्यू फैक्ट ने बी ऑप्शन, सी और बी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, है ना। स्मॉल टर्बो जनरेटर्स भी लगे होते हैं और बैटरी बैकअप्स जो होते हैं या बैटरी बैंक्स जो होते हैं ये भी जुड़े होते हैं। तो जो लोकोमोटिव्स होती है ना, लोकोमोटिव्स में अपने पास होता है आरआर बॉक्स, आरआर बॉक्स भी लगे होते हैं, रेक्टिफायर वाले बॉक्स जो हैं वो भी लगे होते हैं और बैटरी बैंक भी होता है। बैटरी बैंक्स जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, ठीक है। तो जब ट्रेन अपनी रनिंग कंडीशन पे होती है उस समय तो इनके जो छोटे टर्बो जनरेटर्स होते हैं वो पावर अप करते हैं, लेकिन जब ट्रेन स्टैंड बाई कंडीशन पे रहती है, जब हॉल्ट के स्टेट पे रहती है, तो काफ़ी समय तक इसकी बैटरी बैंक्स जो होते हैं ना वो भी सप्लाई दे रहे होते हैं अंदर की इल्यूमिनेशन के लिए। जो चार्जर्स होते हैं या जो इल्यूमिनेशन का जो पॉइंट होता है वो सब कुछ बैटरी से ही मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉल टर्बो जनरेटर्स रनिंग कंडीशन में पावर जनरेट करते हैं, ये पावर सप्लाई देते हैं बैटरी को और बैटरी के हेल्प से हम लेते हैं आउटपुट। तो सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन द लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाय बैटरीज। दिस इज द फाइनल आंसर। जनरेट इससे करते हैं बट एंड रिजल्ट जो हमको मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है, ये बैटरीज के थ्रू ही मिलता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। जैसे आप व्हीकल्स चलाते हैं तो व्हीकल में आप इंडिकेटर, जब इंडिकेटर का बटन प्रेस करते होंगे अपनी गाड़ियों में तो वो इंडिकेटर जलने लग जाता है ना, वो किसके हेल्प से जलता है? आउट ऑफ द बैटरी। लेकिन बैटरी को पावर कौन दे रहा है? उसका छोटा सा जो टर्बो जनरेटर है उससे उसको पावर मिल रहा है। जो 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 स्मॉल सा आपके गाड़ियों में ऑल्टरनेटर लगा होगा वो उस बैटरी को पावर दे रहा है, वो बैटरी फिर आउटपुट एनर्जी हमको हॉर्न प्रेस करने में या इंडिकेटर्स का बटन प्रेस करने में या जो सेल्फ स्टार्ट आप करते हो उस समय में आपको पावर का आउटपुट दिखाई देती है, ठीक है। सो यस, दिस इज द फाइनल आंसर, सी ऑप्शन बैटरी, ये ज़्यादा सही आंसर है, एप्रोप्रिएट। प्रोसेस में टर्बो जनरेटर ही जनरेट करके देता है बैटरी को, लेकिन एंड रिजल्ट हमको जो बाहर आउटपुट मिलता है वो इसी से मिलता है, बैटरी से, ठीक है। तो करीब का आंसर था ये, काफ़ी करीब के ऑप्शन थे दोनों, इसमें कंफ्यूज होना बनता था बट अभी क्लियर है मुझे लगता है। छठवां क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय द फ्लो ऑफ करंट, वोल्टेज, मटीरियल थिकनेस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। आर्क इन चारों में से किस वजह से क्रिएट होती है? और क्वेश्चन लें इसका, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं ना अभी। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं आप लोग को, आज ऐसी थोड़ा बहुत जस्ट ये ग्लिम्स है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में भी मैं नहीं बता रहा हूं आप लोग को, जस्ट छोटा छोटा ग्लिम्स के फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि बस आप एक अंदाजे के लिए देखिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। कल के ऑनवर्ड जब बनाएंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि तब आप इसके पीछे की पूरी कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे फिर सवाल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी रहेगी। तो लिखा हुआ है इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क बाय द फ्लो ऑफ करंट, वोल्टेज, मटेरियल की थिकनेस या फिर कॉन्टैक्ट के रेजिस्टेंस की वजह से, किस वजह से आर्क का क्रिएशन होता है? ए ऑप्शन काफी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, तनिष्क ने बी ऑप्शन लिखा हुआ है, अभिजीत बी ऑप्शन, प्रदीप ने ए ऑप्शन लिखा हुआ है, अभिषेक ने ए ऑप्शन लिखा हुआ है, चारू ने ए ऑप्शन लिखा है, वंश ए ऑप्शन, रमिता ए ऑप्शन, दीपक ने ए ऑप्शन लिखा हुआ है, केतन ए ऑप्शन, प्रदीप फ्लो ऑफ करंट। जो ट्रांसफार्मर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका काम ये होता है, जब भी आर्क वेल्डिंग हम कर रहे होते हैं तो हमेशा आर्क को इनिशियली चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज की रेंज हमको बहुत ज़्यादा नीचे होती है। 60 वोल्ट 80 वोल्ट के आसपास के रेंज में हम आर्क को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए तो और कम पोटेंशियल पे आप कर सकते हो। तो जिस ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है हमको आर्क क्रिएट करने के लिए, उस ट्रांसफार्मर की खास कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो ज़्यादा करंट्स को हैंडल कर सके, ज़्यादा करंट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सके, कीपिंग द पोटेंशियल एज कॉन्स्टेंट एज पॉसिबल। पोटेंशियल को जितना हो सके कॉन्स्टेंट मेंटेन करें लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जो वोल्टेज को रिड्यूस करके करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सके, करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सके आउटपुट में, ठीक है। तो आर्क क्रिएट करने का मेन मकसद होता है कि हमको आयोनाइजेशन क्रिएट करना है, हमको सिस्टम में आयोनाइजेशन क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन कैसे होगा? अगर सपोज कर लीजिए कि ये हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इफ दिस इज आवर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमारा वर्क पीस है, ठीक। अब ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यहाँ सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये वर्क पीस भी इधर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ना, है ना, यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई है। अब ये आर्क का क्रिएशन होगा बिटवीन दीज टू। ये आर्क कैसे क्रिएट होगी? ये बीच में जो एयर है इसका आयोनाइजेशन करके। तो मतलब पोटेंशियल को इतना इंक्रीज कर देंगे हम लोग कि ये जो आसपास की एयर होगी इसकी वो आयोनाइज हो जाएगी। एयर जैसी आयोनाइज होगी यहाँ पे होगा कंडक्शन और ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ, ये सब जितना भी कुछ आप देख रहे हो, ये जितना भी वैरायटी मैंने लिखा, दीज आर ऑल फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्यूजन वेल्डिंग, ये सब फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो वेल्डिंग को दो कैटेगरी में आप क्लासिफाई करते हो, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आप पढ़ते हो अबाउट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है तो मतलब वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के सिद्धांत पे काम करता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को फिर चार कैटेगरी में आप डिफाइन करते हो, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड बट वेल्डिंग, बट जॉइंट वेल्डिंग, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग भी होती है, सीम वेल्डिंग होती है, बट जॉइंट वेल्डिंग होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है उसके अंदर। जबकि फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर जब आप जाओगे तो फ्यूजन में देखोगे कि मटेरियल में किसी तरीके का प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, सप्लाई की मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर देते हैं और आर्क का क्रिएशन करते हैं, जिससे कि मटेरियल्स या जो दो वेल्ड सेक्शंस होते हैं ये आपस में खुद ही फ्यूज होके चिपक जाते हैं। जबकि प्रेशर वेल्डिंग में आप उसके रेजिस्टेंसेस का यूज करते हो। इसी वजह से प्रेशर वेल्डिंग में मोस्टली हम मेटल्स को ही सिर्फ वेल्ड कर सकते हैं। कभी भी जब भी हमको ऐसा वेल्ड करने वाला पार्ट है या हीट करने वाला पार्ट है तो इसमें हम रेजिस्टेंस के सिद्धांत पे काम करते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से, और वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मीडियम है। तो कभी भी नॉन मेटल्स के लिए वो वेल्डिंग तो यूजेबल है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, कभी पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम फ्यूजन वेल्डिंग यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से वाले में या किस टाइप की जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं किस में हमको इलेक्ट्रोड फ्यूजिबल चाहिए और किस में नॉन फ्यूजिबल जो है वो इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप की वेल्डिंग मेथड्स हैं, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे MIG वेल्डिंग हो गया, इसमें इलेक्ट्रोड फ्यूजिबल होता है, इलेक्ट्रोड खुद ही फ्यूज हो जाता है। इलेक्ट्रोड की साइज धीरे धीरे रिड्यूस होते होते फिर हमको नया इलेक्ट्रोड वहाँ इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आप यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रोड बिकम्स नॉन फ्यूजेबल, इलेक्ट्रोड नॉन फ्यूजेबल टाइप हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि टंगस्टन का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है, इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट जो होती है बहुत हाई रहती है, तो ये फ्यूज नहीं होगा, ये बिना फ्यूज हुए ही यहाँ पे जो अवेलेबल मेटल है उसको ये मेल्ट आउट कर सकता है। तो इसमें आप चाहो तो एक्सटर्नली एक फिलर मेटल यूज कर सकते हो, एक्सटर्नली एक फिलर यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि गिवन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में फिलर मेटल की पॉसिबिलिटी होती है, फिलर मेटल यूज किया जा सकता है। तो उसमें आपको MIG भी दे देगा और उसमें आपको सबमर्ज्ड आर्क भी दे देगा, आर्क वेल्डिंग नॉर्मल भी दे देगा और TIG भी देगा। तो उसमें TIG जो है उसको हम सही आंसर मानेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। MIG कंज्यूम्स इलेक्ट्रोड, वेरी गुड प्रदीप, एकदम राइट आंसर है। यस, PDF भी इसकी मिल जाएगी वंश, PDF भी ये सबकी मिल जाएगी, है ना। सीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड यूज, रोलर टाइप इलेक्ट्रोड, यस प्रदीप। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में कि इलेक्ट्रोड के टाइप्स पे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, इस तरीके के ऐसे इंटरलॉकेबल इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, इंटरलॉकेबल सेक्शन, ऐसे वो लॉक हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर वेल्डिंग किया जा सकता है। तो जैसे कि फ्रिज वगैरह बनते हैं ना हमारे, जैसे घरों में फ्रिज या वॉशिंग मशीन बनती है, आप देखिएगा कि उनके अंदर की वेल्डिंग आपको अलग से दिखाई नहीं देगी, जैसे जॉइंट्स के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स हो गए, फ्रिजेस, जब फ्रिज की बॉडी जब मैन्युफैक्चर हो रही है या वॉशिंग मशीन्स की बॉडी मैन्युफैक्चर हो रही है, फ्यूजन प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सिद्धांत वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सीम वेल्डिंग ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी कार की छतें वेल्ड हो रही होती हैं उसकी मेन बॉडी से जब उसकी रूफ को अटैच किया जा रहा होता है, तो हमेशा कौन सा वेल्डिंग यूज़ होता है वहाँ पे? वहाँ हमेशा सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे एक कंप्लीट सील्ड टाइप का वेल्डिंग जो है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द रोलर मूवमेंट। तो ये सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में ये सब, ठीक है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया इसमें। एक आध क्वेश्चन और लें इसमें, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं आज के लिए, फिर एंड अप करते हैं। लिखा हुआ है फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ, आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स को किस मेटल से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर से, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन इज ग्रेफाइट, लास्ट ऑप्शन इज ACSR कंडक्टर। PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, अद्वैत AE का जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, वहीं पर आपको इस सबकी PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये जैसा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स जो है वो किस मेटल के बने होते हैं? कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं या ग्रेफाइट के होते हैं या ACSR कंडक्टर्स के बने होते हैं। तो ऐसे सब एग्जामों में भी देखिए सब क्वेश्चंस जो है वो पूछा हुआ है, MPJ के एग्जाम 2016 में भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो फ्यूजिबल होगा या नहीं होगा। अगर फ्यूजिबल होगा तो फिर कॉपर का इस्तेमाल हो सकता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो सकता है, ACSR कंडक्टर मुश्किल है, और ग्रेफाइट जो है वो फ्यूजिबल कंडीशन में कैसे आएगा। लेकिन अगर है तो उस कंडीशन में आप ग्रेफाइट या ACSR कंडक्टर भी सही आंसर मान सकते हैं। तो बहुत सारा कंडीशन है इसमें। प्रदीप ने लिखा ग्रेफाइट, उपेंद्र ने लिखा ए ऑप्शन, रमिता ने लिखा है ए ऑप्शन, ख्याति ने लिखा हुआ है कॉपर, तनुजा ने लिखा है सी ऑप्शन, चारू ने लिखा है ए ऑप्शन, केतन ने लिखा है ए ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस जो है वो हमको बनाना है इसमें बढ़िया से। आर्क हीटिंग अगर हम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स को किस चीज़ का बनाया जाए? इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है उसको प्रीफर करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज प्रीफर्ड इन दिस कंडीशन। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड वहाँ पे नहीं प्रीफर करते हैं, ग्रेफाइट को हम वेल्डिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू हीटिंग कंडीशन। फिर एक क्वेश्चन और, आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट, आर्क लैम्प जो होती है, ये लैम्प के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो किस पे ऑपरेट करता है? लो लैगिंग पावर फैक्टर, हाई लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर या जीरो पावर फैक्टर? आर्क लैम्प इसमें से किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है? इसमें से किस पावर फैक्टर पे यूज होता है? यस डियर अभय, UEET की फर्स्ट क्लास, इसमें जस्ट अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कल के ऑनवर्ड्स हम पहली क्लास, पहला चैप्टर जो है उससे शुरुआत करेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे ऐसे ही जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं। बट अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने इसका कोई कंसेप्ट बताया नहीं है आप लोगों को। कल के ऑनवर्ड्स पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। कल शाम 5 बजे से आप लोग की क्लास रहेगी UEET की, कल एग्जैक्टली शाम 5 बजे से, ठीक है। ख्याति ने लिखा हुआ है लो लैगिंग पावर फैक्टर, राहुल ने लिखा है ए ऑप्शन, रविता ने लिखा है ए ऑप्शन, चारू ने लिखा है ए और सी, मयन ने लिखा है ए ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? लो लैगिंग पावर फैक्टर, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है ये। लो लैगिंग पावर फैक्टर इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आर्क लैम्प वेल्डिंग जो होता है वो आर्क लैम्प जो होता है, नॉट वेल्डिंग, आर्क लैम्प जो होता है ये हमेशा लो और लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। जब इसका पूरा डायग्राम आप देखेंगे ये कहाँ पे यूज होता है ये सारा कुछ हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। यस, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई लीडिंग पावर फैक्टर करने के लिए आपको कैपेसिटिव इफेक्ट देना पड़ेगा और आर्क लैम्प कभी भी कैपेसिटिव इफेक्ट पे वर्क नहीं करता, वो हमेशा इंडक्टिव बिहेवियर शो करता है। इंडक्टिव बिहेवियर होने की वजह से लैगिंग पावर फैक्टर क्लियर यहाँ पे आ जाता है और लैगिंग पावर फैक्टर होने के साथ साथ इसकी पावर फैक्टर काफ़ी कम भी होती है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर का तो केस ही नहीं बनता यहाँ पे और जीरो पावर फैक्टर का केस जो है ये भी नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे सब क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पर करते हैं एंड। कल शाम 5 बजे से एकदम मस्त तरीके से UEET मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा और ग्रेजुअली आने वाले दिनों में फिर से BEE जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कुछ दिन UEET पढ़ते हैं, फिर यहाँ इसमें जब आपको लगे कि UEET में सर अब बोर लग रहा है, काफ़ी दिन से पढ़ लिए, फिर वापस से मैं BEE पे लेके जाऊँगा, जहाँ छोड़े हैं वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बीच आपका काम ये रहेगा, इस 5 या 6 दिन आपका इतना काम रहेगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरम वाला पार्ट जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हुए हैं आप उसको फॉलो करके बढ़िया से कंप्लीट करके रेडी रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन का पार्ट ज़्यादा रहेगा और कंटेंट वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन में ही आएगा इंक्लूड होकर, तो मज़ा आएगा, रिविजन पार्ट जो है और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो UEET का अब है एकदम बढ़िया बेस्ट वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल के ऑनवर्ड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लेंगे और कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा, तो जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है कोई टेंशन की बात नहीं, आप साथ में पढ़िए। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बेस्ट वे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लव यू सो मच डियर एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी को वंस अगेन गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं आपको कि इस गणेश चतुर्थी में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहा है जो कि 31 अगस्त से 31 अगस्त से 2 सितंबर के लिए लागू होगा ये ऑफर। आपको करना इतना है कि गेट एकेडमी लाइव ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और उस पर जाके आप अपने मनचाहे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। इस ऑफर्स की पूरी जानकारी यहीं यूट्यूब के इसी चैनल पे एक वीडियो आया होगा मेरा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी जस्ट रिसेंट का ही वीडियो है, उसमें आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तैयारी एकदम बेस्ट लेवल पे आप करिए, प्रिपरेशन में आपकी कोई भी कमी ना होने पाए और पूरी अद्वैत एजुकेशन AE JE एग्जाम्स की टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। मस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। कल शाम 5 बजे, कल UEET का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है शाम 5 बजे से, तो टाइम आप लोग निकाल लीजिएगा 5 PM to 6 PM मेरे साथ UEET पढ़िएगा। पहला चैप्टर जो है एकदम बेसिक से शुरुआत कराऊंगा, क्वेश्चन भी बनाएंगे, डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स, मिलते हैं आप सभी से कल शाम 5 बजे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।